नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद उषा चैनल में। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियो से जुड़ सकें। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम सॉफ्ट और मुलायम दही भल्ले, या जिन्हें हम दही बड़े भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी धुली मूंग दाल और एक ही कटोरी धुली उड़द दाल ली है, यानी बिना छिलके वाली दोनों दालें हमने ली है। अब एक बाउल में हम दालों को डाल लेंगे। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद दालों को हम दो तीन बार पानी से धो लेंगे। अच्छी तरह धोने के बाद अब हम इसमें साफ पानी डाल देंगे और 4-5 घंटे के लिए इसे हम भिगोने के लिए रख देंगे। भिगोने के बाद हमारी दाल कुछ ऐसी दिखेगी, थोड़ी फूल जाती है और कलर भी चेंज हो जाता है। इसमें से मैंने सारा पानी निकाल लिया है और इसे हम अब सूखा ही मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, क्योंकि जितनी हमारी दाल सूखी ग्राइंड होगी फ्रेंड्स, हमारे भल्ले उतने ही अच्छे बनते हैं। और हाँ, यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। अब हमारी दाल ग्राइंड हो चुकी है, देखिए सूखा सा पेस्ट बनाया है हमने। अब एक कटोरी में हम थोड़ा सा हींग लेंगे और उसमें डालते हैं पानी। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से घोल लेंगे और घोलने के बाद इसे डाल देते हैं अपने दाल के पेस्ट में और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको हम चम्मच से फेंटेंगे। तकरीबन 5-7 मिनट के लिए हमें इसको फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटिए। यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में फेंटेंगे तो जो हमने फेंटते हुए हवा फील करी वो निकल जाएगी। देखिए बहुत ही फ्लफी हो चुका है हमारा मटेरियल, एकदम फूल चुका है। तो चलिए अब हम इससे भल्ले बनाएंगे। भल्ले बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में पानी लिया है। अब हाथ को उसमें डुबो लेंगे और फिर भल्ला बनाएंगे। जितनी बार भी हमें भल्ला बनाना है उतनी बार ही हाथ को पानी में डुबोना है, इससे भल्ला इजीली निकल जाता है हाथों से। अब इसे फ्राई करते हैं। यहाँ तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, इसलिए अब हम गैस को सिम कर देंगे और धीमी आंच पर ही इन्हें हम फ्राई करेंगे। तक सुनहरा रंग नहीं आ जाता तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे, यानी गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम फ्राई करेंगे। अब हमारे भल्ले फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। अब एक बाउल में मैंने ताज़ा पानी लिया है और उसमें एक चम्मच नमक का डाल दिया है। इसे अच्छी तरह घोलने के बाद इसमें हम भल्लों को डुबो देंगे। 20 से 25 मिनट के लिए हमें इन्हें भिगो कर रखना है। अब हम दही बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल में दही लिया है और उसमें मैंने एक चम्मच चीनी डाली है। यहाँ मैंने ब्राउन शुगर ऐड करी है, आप चाहे तो सादा चीनी डाल सकते हो। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। फेंटने से दही अच्छा हो जाता है और जो हमने चीनी डाली वो भी घुल जाएगी। तो चलिए अब दही भल्ले सर्व करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए मीठी चटनी, हरी चटनी, सेव और पापड़ी जो ऑप्शनल है, लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक और चाट मसाला पाउडर, और साथ में हमें चाहिए काली मिर्च और भुने हुए जीरे का पाउडर। मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। सूखा हुआ पुदीना और काला नमक। अब हम भल्लों को पानी में से निकाल लेंगे और हाथ से सारा पानी हम अच्छे से भल्ले में से निचोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखने से ही लग रहा है कि हमारे भल्ले बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। अब हम प्लेट लगाएंगे। उसके लिए मैंने 4 भल्लों को प्लेट में रख लिया है और ऊपर से पापड़ी डाली है।
फ्रेंड्स पापड़ी ऑप्शनल है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फेंटा हुआ दही। दही डालने के बाद अब हम डालेंगे मीठी चटनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये डाल सकते हो। और ऊपर से डालते हैं हरी चटनी। अब हम इसमें डालते हैं सादा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पुदीने की पत्तियों का पाउडर। अब डालते हैं थोड़ा सा काला नमक। काला नमक डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सेव। और सेव डालने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं कद्दूकस की हुई गाजर, जो कि ऑप्शनल है, और थोड़े से अनार के दाने। तो लीजिए, हमारे दही भल्ले अब खाने के लिए रेडी हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा काट के दिखाती हूँ। हमारे दही भल्ले बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।